कानून के तहत सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया और महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अस्थायी तौर पर जो 370 था उसको हटाने का निर्णय एकदम सही है। सर एक सवाल और है, कल अमित शाह है उनसे आप लोगों की भी मुलाकात हुई थी, मुलाकात के दौरान उन्होंने कई विषयों पर आप लोगों के साथ नहीं, हम लोगों को स्पष्ट तौर पर उनका मार्गदर्शन मिला कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में चल रहा है और लगभग 180 जगह पर कार्यक्रम पर डे हो रहे हैं। भारतीय जनता के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगकर एक एक बूथ पर जो हमारे आम लोग हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला है या विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम हम लोग करें जिससे कि आम लोग को सुविधा प्राप्त हो। मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर के भी उन लोगों ने नहीं ऐसा कोई बात। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से हमारी यह उम्मीद जरूर है कि संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर जेड तक, जिसमें गुजरात महाराष्ट्र को विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल है, इस पर भी केंद्र सरकार को अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया ये सबको मान्य है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में परिसीमन करा करके चुनाव कराने की भी बात कही है और जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात कही है। तो स्पष्ट रूप से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है और जो व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जो निर्देशित किया गया उस पर केंद्र सरकार को पहल करके जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना चाहिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव की व्यवस्था करानी चाहिए और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने बातें कही है उस संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे कि भारत की सार्वभौमिकता और भारत की एकता अखंडता के प्रति जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाया जाए। धारा 370 के कई प्रावधानों को पहले की कांग्रेसी सरकारों ने ही हटा दिया था, अब कुछ प्रावधानों को मोदी सरकार ने भी हटा दिया। अब इसके खिलाफ जो लोग कोर्ट गए थे वो क्या सोच कर गए थे वही जाने, हम नहीं जानते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, देश हित में है और निश्चित तौर पर पूर्व की सरकार ने, अब की सरकार ने इस मामले में अच्छा कदम उठाया है। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।